Hello friends, welcome to the computer world. Today we are talking about N computing system. You know, N computing system duniya bhar mein ab tak ka sabse zyada growth karne wala kam samay mein ek aisa system hai. Ye ek aisa system hai jo ek display ko 5 alag alag display mein convert kar deta hai. Alag alag user alag alag display mein apna kaam kar sakte hain. एन कंप्यूटर सिस्टम दो सीरीज़ में आता है, एक्स सीरीज़ और एल सीरीज़। दोनों में डिफरेंट बस इतना है कि जब हम एक्स सीरीज़ परचेज करते हैं तो उसमें 5 एन कंप्यूटिंग के डिवाइसेस निकलती हैं, और जब एल सीरीज़ करते हैं तो उसमें 3 डिवाइस निकलती हैं। लेकिन 5 डिवाइस के सिस्टम में हम 6 डिस्प्ले को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मेन पीसी मैंने लगाया, और एक तो मेन पीसी वाला सिस्टम हो गया, उसके बाद अलग अलग 5 डिस्प्ले हमने और ऐड करी, जिसमें हमने एन कंप्यूटिंग की डिवाइस 5 आप देख ही रहे हो यहाँ लगी हुई हैं, जिनको लैन की केबल से हमने कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद 5 तो ये हो गई, और उसके बाद मेन पीसी का अपना एक अलग काम रहता है। तो मेन पीसी और प्लस 5 ये टोटल मिलाकर हो गई 6। तो ये एन कंप्यूटिंग सिस्टम हम एक्स सीरीज में 5 से लेकर 6 तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, और उसमें कम भी कर सकते हैं। चलिए हम देखेंगे कैसे हम लोग उसको सेटअप करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मेन सिस्टम है जो हमने अलग अलग यूजर्स के नाम अलग अलग डिस्प्ले पर इंडिकेट किए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूज़र आईडी होप के नाम से मैंने इसको सेट किया हुआ है, और दैन इसके बाद मैंने ये एक और सिस्टम मेरा इसके पीछे डिवाइस लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। एन कंप्यूटिंग की डिवाइस यहाँ लगी हुई है, और इसको मैंने होप 1 के नाम से दिया हुआ है। सेकेंड, ऐसे ही करके हमारे पास 5 डिवाइस हैं जो अलग अलग नाम से अलग अलग यूज़र के नाम से अलग अलग यूज़र के यूज करने के लिए सेट की गई है। सिस्टम को सेट करने से पहले मैं आपको एन कंप्यूटिंग की डिवाइस को दिखाना चाहूँगा। ये हमारी एन कंप्यूटिंग की डिवाइस है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये 4 पोर्ट्स हैं इसके अंदर। ये जो पोर्ट्स हैं उसमें लैन की पोर्ट्स हैं, ये हमारा वीजीए पोर्ट है, ये हमारा माउस का PS2 पोर्ट है, और ये हमारा कीबोर्ड का PS2 पोर्ट है। इनमें हम लोग माउस, कीबोर्ड और डिस्प्ले और लैन की केबल से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि LED लाइट है, जब हम लोग इसको CPU से कनेक्ट करते हैं तब ये लाइट हमारी ऑन हो जाती है। ये हमारी लैन की केबल और हमारी डिवाइस रखी हुई है, जो मैं अभी आपको इसमें LED को ऑन करके दिखा दूँगा। इसलिए हमने इसमें LED केबल में लगाया, तो आप देख रहे हो कि LED हमारा ऑन हो चुका है। ऐसे ही सारे सिस्टम्स का LED हमारा ऑन हो जाएगा, और तभी जब हमारा LED ऑन रहेगा जब तक हमारे सिस्टम्स काम करेंगे, और LED ऑफ होने पर सिस्टम हमारे वर्क नहीं करते। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेन CPU जिसका मदरबोर्ड के अंदर एक कार्ड लगा हुआ है, इस कार्ड को हम एन कंप्यूटिंग कार्ड बोलते हैं। इस कार्ड में हम अपना लैन की केबल को कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस को सारे को यहाँ लगाएंगे, और ऐसे ही सेम वो डिवाइस के अंदर एक, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेम ऐसे ही लैन की केबल को उस डिवाइस से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा पूरा सेटअप बन जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला करके एक डिवाइस बनती है, और उस डिवाइस को कैसे कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं सेटअप की। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिस्टम जिसमें अभी विंडो डाली हुई है, इसमें हम आपको एक पूरा सेटअप करके बताएंगे। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले यहाँ हमें यूज़र बनाने पड़ते हैं। उसके लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप होम पे राइट क्लिक करोगे, उसके बाद मैनेज में जाएंगे, और मैनेज में जाने के बाद आपको यहाँ अलग अलग यूज़र्स क्रिएट करने पड़ते, जिसमें आपको लोकल एंड यूज़र ग्रुप में जाना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको यूज़र पर क्लिक करना है। यूज़र पर क्लिक करने के बाद देख रहे हो आप, बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर और होप, जो मैंने अभी आप बनाया था मेरा खुद का, बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा यूज़र है वो हमेशा सेव रहता है, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जब देखेंगे कि इसको हम लोगों ने ओपन किया, तो ओपन करने के बाद ये यहाँ पर डिसेबल है। डिसेबल होने से क्या होगा, ये हमें दिखाई नहीं देगा। अब इसको हमें इनेबल करना है, यहाँ से क्लिक कर दीजिए,
यहाँ से कैन नॉट यूज़र पासवर्ड अप्लाई और ओके कर दी, जिससे कि ये जब हम यूज़ करेंगे तो हमें दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक सेटअप पासवर्ड भी यहाँ से देंगे। मैंने 123 वर्ल्ड 23 ये दोनों मैंने पासवर्ड्स को दे दिए। पासवर्ड हैज़ बीन सेंड, सेट करने के बाद, क्योंकि ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें यूज करने के बाद अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं यूज कर रहे हो तो आप एन कंप्यूटिंग के सिस्टम को नहीं चला पाओगे, मतलब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। इसके लिए हम लोग यूज़र पर जाके यहाँ से राइट क्लिक देंगे और न्यू यूज़र करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर मुझे एक और बनाना है, हुक बंद करके मैंने बनाया, उसका पासवर्ड दे दीजिए। उसके बाद यहाँ से विजुअल कर दीजिए, जैसे कैन नॉट सेलेक्ट नेवर पासवर्ड और क्रिएट सेम ऐसे ही सेकेंड वाला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने ये चार यूज़र एक्स्ट्रा और बना लिए हैं, 1 होप 2 होप 3 होप 4। अब काम रहता है हमारा इनको रोबोट बनाने का, जिसमें रिमोट बनाएंगे तब ये चलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से ग्रुप पे क्लिक किया, ग्रुप करने के बाद रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम लोग एडवांस पे क्लिक करेंगे। एडवांस करने के लिए हमें उसके बाद यहाँ से फाइंड करेंगे, फाइंड करने के लिए देखिए ये आपको सारे यूजर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ, आप इन यूजर्स को क्लिक कर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इन्हें आप ओके किए, ओके करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो सारे के सारे आपस में एक दूसरे से रिमोट डेस्कटॉप यूज़र हो जाएंगे और हमारे यूज़र बन चुके हैं। जिसमें आपको भी स्विच यूज़र करके दिखाता हूँ, ये देखिए जैसा कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 यूज़र आपके सामने हैं। 6 क्यों, क्योंकि 4 यूज़र तो हमारे डेस्कटॉप के लिए और ये क्यों। अभी हम एडमिनिस्ट्रेटर को ओपन कर लेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा यूज़र है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाएंगे, बाकी सब में इंस्टॉल नहीं होता है। हम लोग कंप्यूटर पे जाएंगे, कंप्यूटर जाने के बाद ऐसे कि आप देख रहे हो कि हमने सीडी में पहले से लगा रखी है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सीडी इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। सीडी इंस्टॉल करने का आपको ब्राउज सीडी करनी है, ब्राउज सीडी करने के बाद ये आप देख रहे हो कि कौन सी बिट में आपको सेटअप करना है। इसके लिए आपको बिट देखनी पड़ेगी कि किस बिट में आपने अपनी विंडो को इंस्टॉल किया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ कंप्यूटर पर जा कर के इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। जब प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो देख जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ 16 बिट में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, तो आप चूज़ कर लीजिए 64 बिट, डबल क्लिक करिए, सेटअप चलेगा आपके सामने विंडो इंस्टॉलिंग का। देन इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आई एग्री, फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिर आई एग्री, फिर नेक्स्ट, उसके बाद ये ऑटोमेटिक चूज रहता है। देन इसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, वेट करेंगे इसके लिए। ये ऑडियो के लिए मांग रहा है, जब हम लोग अपना ऑडियो लगाएंगे तो आना चाहिए, इसके लिए हम इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे ऑडियो की आवाज़ हम लोग गाना भी सुन पाएंगे। सेटअप कंप्लीट होने के बाद ऐसा एक विजार्ड आपके सामने आएगा जो लाइसेंस विजार्ड है, जिसमें आपको नेम डालना है सबसे पहले, तो आप नेम डाल सकते हो कोई भी जो आपका नेम है, जैसे मैंने डाल दिया बल सिंह। उसके बाद कंपनी का नाम डाल दोगे आप, जैसे मैंने डाला कंप्यूटर वर्ल्ड। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी कंट्री को चूज़ कर लीजिए, इंडिया। देन इसके बाद एड्रेस, देन इसके बाद सिटी आगरा, उसके बाद पूरा फॉर्म है उसको फिल कर लीजिए, स्टेट मांगना है उत्तर प्रदेश, जिप कोड, ईमेल, उसके बाद फ़ोन नंबर। अब ये पूछ रहा है कि किससे खरीदा आपने, रिसेलर से खरीदा है। यूज़र में आप कोई भी यूज़ चूज कर सकते हो, कि आप स्कूल में लगा रहे हो, ऑफिस में लगा रहे हो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कर दिया मैनुफैक्चरिंग, वहाँ से मैं कर दिया फिनिश।
एन कंप्यूटिंग हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल, क्लिक कर दे एग्जिट, क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम लोग यस करेंगे, शट डाउन करेंगे। आपका सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख लीजिए यूजर वन में आपके सारे यूजर दिखाई दे रहे हैं, आपके होप टू में सारे यूजर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी आपके सारे यूजर दिखाई दे रहे हैं। अब आपको जैसे इस ये आपका यूजर फोर है, होप फोर, तो आप यहाँ से होप फोर को क्लिक कीजिए और यहाँ अपना पासवर्ड लगा के उसको लॉग इन कर लीजिए। तो ऐसे ही हम लोग अपने सारे सिस्टम्स को लॉग इन कर लेंगे। ये देखिए जैसे आपके सारे सिस्टम्स में लॉगिन हो चुका है, अब आप अलग अलग यूज़र अलग अलग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं।